हाईन आप सभी का स्वागत है चैनल में आज हम डिस्कस करेंगे बी एड सेकेंड ईयर का आपका सिलेबस आपका कोर्स और क्या आपको बी एड सेकेंड ईयर में पढ़ना है कौन कौन सी आपकी बुक होंगी क्या आपका सिलेबस रहेगा और कौन सी पब्लिकेशन की बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी वो भी डिस्कस करेंगे और कौन सी बुक आपकी कितने मार्क्स की होगी ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये है बी एड सेकेंड ईयर और फर्स्ट जो आपकी बुक रहेगी वो रहेगी नॉलेज एंड करिकुलम ये आपका टोटल हंड्रेड मार्क्स का है 80 मार्क्स आपके थ्योरी के रहेंगे 20 आपके इंटरनल रहेंगे उसके बाद, रहे बाद सेकंड है असेसमेंट फॉर लर्निंग ये भी आपका 100 मार्क्स में है 80 मार्क्स आपके थ्योरी के हैं और इंटरनल रहेंगे आपके 20 मार्क्स उसके बाद थर्ड बुक रहेगी आपकी थर्ड जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगी आपकी क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल ये आपका हंड्रेड मार्क्स का है टोटल और एट्टी मार्क्स आपके थियोटिकल रहेंगे जैसे आपने फर्स्ट ईयर में दिए थे एग्जाम और ट्वेंटी मार्क्स आपके इंटरनल रहेंगे उसके बाद है फोर्थ ए ये आपकी बुक रहेगी फोर्थ ए लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एम डी यू सीआरएस यू डी क्रस्ट और आईजी यू इन चार यूनिवर्सिटी में यही सब्जेक्ट आपके रहेंगे और सेम रहेगा पैटर्न भी ठीक है तो ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है ये आपका 50 मार्क्स में रहेगा टोटल मार्क्स और थ्योरी का जो एग्जाम आपका होगा वो होगा आपका 40 मार्क्स में और 10 मार्क्स आपके होंगे इंटरनल उसके बाद है फोर्थ बी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट ये आपका 50 मार्क्स का है टोटल थ्योरीकल होंगे आपके 40 मार्क्स और 10 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे उसके बाद है आपका फिफ्थ ए सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी ये आपका 50 मार्क्स में है वही थ्योरी रहेंगे 40 एंड इंट 10। उसके बाद आपका ऑप्शनल पेपर है ऑप्शनल में देखिए यहाँ पर चार पेपर है ठीक है उनमें से कोई भी आपको एक सिलेक्ट करना है इन चारों के पेपर पेपर नहीं होंगे आपके इनमें से कोई एक का पेपर आपका होगा तो कोई भी अगर आपने इनमें से सेलेक्ट किया हुआ है तो आपका इन चार में से एक, में, एक का पेपर आपका होने वाला है और ये होगा आपका फिफ्टी मार्क्स का और फोर्टी आपके थियोटिकल एंड टेन होंगे आपके इंटरनल ठीक है उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल होगा टीचिंग सब्जेक्ट का जो टीचिंग सब्जेक्ट के पेपर आपने फर्स्ट ईयर में दिए हैं उन्हीं टीचिंग सब्जेक्ट का यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल होगा और ये आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हंड्रेड मार्क्स का होगा फर्स्ट टीचिंग सब्जेक्ट एंड सेकंड टीचिंग सब्जेक्ट ठीक है जो भी आपने फर्स्ट ईयर में सिलेक्ट किए हुए हैं जिनका पेपर आप दे चुके हो इकोनॉमिक्स हो कॉमर्स हो हिंदी एस एस हो मैथ फिजिकल साइंस हो जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में रहे हैं उनका सेकेंड ईयर में कोई पेपर नहीं होगा बस आपके प्रैक्टिकल होंगे ठीक है ये हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स के होंगे उसके बाद आपकी रहेगी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी वाली फाइल इंटर्नशिप वाली फाइल जिसको हम कहते हैं ये रहेगी आपकी फिफ्टी मार्क्स की जब आप टिपी के लिए जाओगे फोर मंथस की टिपी होती है सेकेंड ईयर में तो उस टाइम पर आपकी फाइल बनेगी फिफ्टी मार्क्स की ठीक है और बीएड सेकंड ईयर में कंप्लीट जो आपके मार्क्स होंगे वो होंगे 750 वो ठीक है और यहाँ पर मैं बता दूं बीएड सेकंड ईयर में ना सभी सब सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहेंगे ये हैं आपके जैसे फर्स्ट पेपर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये कंप्लीट पेपर आपके कंपलसरी हैं ये जो आपका लास्ट वाला पेपर है जिसमें से आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना है ये वाला ये कंप्लीट कॉलेज में एक ही पेपर चलता है कोई ऐसा नहीं होता कि एक कॉलेज में एक स्टूडेंट ने कोई पेपर दिया तो दूसरे ने कोई तो एक कॉलेज में कंप्लीट एक ही कोर्स होता है तो आपके कॉलेज में जो भी कॉलेज वालों ने सिलेक्ट किया हो या फिर मोस्टली जो स्टूडेंट्स के पास होता है वही आपके कॉलेज में लगवा दिया जाता है ठीक है तो ऑलमोस्ट हम बात करें कि सभी को सेम सब्जेक्ट पढ़ने हैं किसी का कोई अलग पेपर नहीं होगा फर्स्ट ईयर में जैसे टीचिंग सब्जेक्ट आपके अलग अलग थे सेकेंड ईयर में सभी सेम हाँ, रहेंगे आपके

सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा ठीक है उसके बाद है बी एड सेकेंड ईयर का सेकेंड यूनिट फर्स्ट कोर्स से फर्स्ट सिलेबस जो है है आपका नॉलेज एंड करिकुलम इसका ये यूनिट और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऐप पर नव एजुकेशन ऐप आप, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऐप का भी और कोर्स का भी अगर आपको बी एड सेकेंड ईयर की तैयारी करनी है तो आपको ऐप आप डाउनलोड करना है और वहां पर आपकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर फर्स्ट यूनिट नॉलेज एंड करिकुलम की कंप्लीट हो चुकी है असेसमेंट फॉर लर्निंग की सेकेंड यूनिट चली हुई है वो भी खत्म हो जाएगी तीन चार टॉपिक आपके बचते हैं और ये जो नॉलेज एंड करिकुलम है इसका भी सेकेंड के कुछ दो चार टॉपिक आपके बचते हैं फिर दो यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद सब्जेक्ट uh, में बताऊंगी तो बताऊंगी कितना कोर्स कितना हो चुका है ये आपका थर्ड यूनिट है नॉलेज एंड करिकुलम का ठीक है उसके बाद है फोर्थ यूनिट आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो देखिए फोर्थ यूनिट में ना बस तीन ही टॉपिक आपके बनेंगे और नहीं तो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह जैसे आपको पीडीएफ फाइल मिलती है आपको पीडीएफ फाइल लिंक पर क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है ठीक है यह आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट रहेगी मेजरमेंट एंड देखिए जो ब्लूम टेक्सोनोमी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है जो ब्लूम के द्वारा दिए गए थे उनके डोमेन वो आपके फर्स्ट ईयर में थी लेकिन ये सेकेंड ईयर में है रिवाइज्ड वाली जो 1956 में ब्लूम ने अपने डोमेन्स बताए थे कोग्नेटिव था साइकोमोटर था तो यहाँ पर उस चीज को रिवाइज कर दिया गया है और उनके जो डोमेन थे उनके जो टॉपिक थे सब तो उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और ये रिवाइज हुई थी आपकी 2000 में ठीक है ब्लूम ने जो फर्स्ट अपनी ब्लूम टैक्सोनॉमी जो कहते हैं ब्लूम के द्वारा निर्धारित उद्देश्य वो दिए थे उन्नीस में लेकिन ये रिवाइज हुई थी दो में ठीक है ये भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी एनसीएफ भी आप पढ़ चुके हो, फर्स्ट में एनसीएफ भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और ये आप कंप्लीट यूनिट फर्स्ट यूनिट आपकी हो चुकी है अगर किसी को तैयारी अगर किसी ने स्टार्ट नहीं की है या फिर वो करना चाहते हैं तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और सेकेंड यूनिट है आपकी टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर जिसमें फॉर्मेटिव है समेटिव है और सेल्फ असेसमेंट रहेगा टूल्स ऑफ इवेलेशन क्या क्या होंगे थर्ड यूनिट चली हुई है सेकेंड यूनिट को अभी थोड़ा स्किप किया गया है तो थर्ड यूनिट चली हुई है जिसमें आप कह रहेगी सेमेस्टर सिस्टम ग्रेडिंग सिस्टम क्रेडिट सिस्टम ये सब आपका हो चुका है यहाँ तक एग्जाम ऑन डिमांड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ये कुछ टॉपिक आपके पेंडिंग है तीन या चार वीडियो में ये भी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ यूनिट फोर्थ यूनिट है आपकी कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड है थ्योरेटिकल भी बनते हैं यहाँ से लेकिन आपके एक एग्जाम में एक तो थ्योरेटिकल पूछा जाता है एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो हम उसके बाद फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम आपको सारे न्यूमेरिकल कराएंगे ठीक है ताकि फिर आपका एग्जाम टाइम में सिर्फ थ्योरेटिकल बाकी रहे ठीक है जी अगर किसी को कोर्स परचेज करना है कोर्स परचेज करना पड़ेगा एक बार जाइए ऐप पर और देख लीजिएगा उसके बाद थर्ड पेपर है आपका क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल ठीक है ये आपका थर्ड पेपर है इसके बाद ये फर्स्ट यूनिट है इसकी जिसमें स्पेशल बच्चों की नीड्स के बारे में बताया गया है जो डिसेबिलिटीज होती हैं उनके कंसेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स वगैरह बताने जैसे विजुअल है hearing impairment है मेंटल रिटार्टेशन है लोकोमोटर है और लर्निंग डिसेबिलिटीज है ये जो टॉपिक है ये जो सब्जेक्ट है कम्प्लीटली ये मैं आपको कराऊंगी एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएंगे वीडियो ठीक है उसके बाद ये सेकंड यूनिट है देखिए जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की आपकी बुक थी ना सेकंड बुक और उसकी सेकंड यूनिट थी जिसमें कमीशन थे सेकंड यूनिट में सेम उसी तरीके से है ये सेकंड यूनिट यहाँ पर भी आपको फ्रेमवर्क देखने को मिलेंगे और कुछ ये देखिए जैसे पीडब्ल्यू एक्ट है आरसीआई एक्ट है इसमें भी एक्ट आपको देखने को मिलेंगे ठीक है पॉलिसीज है कौन सी पॉलिसी है कब आई थी इसके बारे में क्या 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 बताया गया है, 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 है। है ये complete आपकी second unit है। ये आपकी आपकी बिल्कुल ऐसे ही री इंडियन एजुकेशन की सेकेंड यूनिट थी तो वो यूनिट मैंने आपको बहुत अच्छे से कराई थी किसी को शायद कोई दिक्कत नहीं आई होगी तो उसी तरीके से ये भी आपकी सेकेंड यूनिट आसानी से हो जाएगी ठीक है उसके बाद थर्ड यूनिट रहेगी आपकी स्पेशल नीड्स स्पेशल बच्चों की क्या क्या स्पेशल नीड्स होती हैं इसके बारे में यहाँ पर बताना है बहुत ही कम सिलेबस है उसके बाद यहाँ पर फोर्थ यूनिट फोर्थ यूनिट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप पढ़ चुके हो स्टार्टिंग में अः फर्स्ट पेपर में आपने पढ़ा होगा चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप में आप पढ़ चुके हो जैसे बड़ी सिस्टम है uh, ठीक है पीए टिंग है ये सब आप पढ़ चुके हो लर्निंग वाले टॉपिक में भी आप आईसीटी के बारे में पढ़ चुके हो ऐसे से, ठीक है उसके बाद है next fourth A language across the curriculum. इसका भी इस बस आपका चला चलिए है, हाँ, है. है? है, आप तो आप है आपका 50 मार्क्स का पेपर से 40 आपके थियोटिकल होंगे 10 आपका इंटरनल होगा तो यहाँ पर सिर्फ दो ही यूनिट होंगी आपकी जैसे फर्स्ट ईयर में थी ना सभी पेपर में चार चार यूनिट होती थी लेकिन सेकंड ईयर में सिर्फ फर्स्ट तीन पेपर आपके ऐसे होंगे जिसमें चार यूनिट होंगी नेक्स्ट चार सब्जेक्ट आपके ऐसे होंगे जिसमें ओनली दो यूनिट आपके होंगे ठीक है ये फर्स्ट यूनिट है एल के बारे में यहाँ पर बताना है और ये आपके फर्स्ट यूनिट और किसके बाद ये सेकेंड यूनिट ठीक है इजी है बुक ज्यादा लेंथी या फिर ज्यादा हार्ड नहीं है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट ये है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट फोर्थ बी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट ये आपका फिफ्टी मार्क्स में है थोटिकल आपके फोर्टी मार्क्स के होंगे ओनली दो ही के बारे में पूछा गया है क्या क्या है डिसिप्लिन वगैरह ठीक है डिसिप्लिन जो स्कूल में डिसिप्लिन होता है ये वो वाला डिसिप्लिन नहीं है सबसे पहले तो यही बता देती हूँ मैं ठीक है ये थोड़ा सा अलग है ठीक है और जैसे फिलोसफी होती है ना लाइक फिलोसफी ऐसे ही है ये सब्जेक्ट ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट है है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी ये आपका फिफ्थ ए पेपर मार्क्स का थियोटिकल ठीक है ये आपकी फर्स्ट यूनिट है जेंडर के बारे में बताना है जेंडर इश्यूज क्या है जेंडर बायस क्या है जेंडर स्टील क्या है ये भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है फर्स्ट यूनिट उसके बाद है सेकेंड यूनिट ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा ऑप्शनल है वर्क एजुकेशन वर्क एजुकेशन बहुत ही कम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं कॉलेज सेलेक्ट करता है है एक तो होता हेल्थ फिजिकल एंड एजुकेशन मोस्टली स्टूडेंट्स के पास पता हो चुका होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका होगा ऑप्शनल हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन है तो काफी सबसे ज्यादा इजी पेपर जो होता है ना वो यही होता है लास्ट वाला हेल्थ के बारे में आपको पढ़ना है फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ना है

आपको काउंसलिंग के बारे में बताया गया ठीक है दो ही यूनिट होती हैं, फर्स्ट यूनिट में आपको गाइडेंस के बारे में बताया गया है सेकेंड यूनिट में आपको काउंसलिंग के बारे में बताया गया ठीक है बहुत ही कम सिलेबस है तो ये आपका बी एड सेकेंड ईयर का सिलेबस था जो कि मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर ये आपकी प्रैक्टिकल है जो आपकी प्रैक्टिकल होती है ना जिसमें पांच आपके माइक्रो लेसन प्लान बनते हैं पांच मेगा लेसन प्लान बनते हैं एक डिस्कशन लेसन प्लान बनता है और रियल टीचिंग के होते हैं बारह लेसन प्लान ये होते हैं आपके जो भी आपके पैडोगोजी की टीचिंग सब्जेक्ट होंगे ना उसके अकॉर्डिंग यही लेसन प्लान सबके बनेंगे अकॉर्डिंग यूर टीचिंग सब्जेक्ट टॉपिक चेंज हो जाएंगे बाकी जो माइक्रो है मेगा है डिस्कशन है और रियल टीचिंग है वो सेम रहेंगे ठीक है इतने ही लेसन प्लान बनने हैं तो यही थे नोट जो डिस्कशन करना था आपके साथ ठीक है ये कंप्लीट हो गया यहाँ से ये बी एड सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है ना ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर अब बात आती है कि हम कौन सी बुक परचेज करें अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक बुक परचेज नहीं करी है तो बी एड फर्स्ट ईयर में आप सबको पता चल गया होगा कि कौन सी बुक कैसी है कौन सी पब्लिकेशन की अच्छी है या नहीं है अगर किसी के पास लक्ष्मी की थी अगर किसी को लक्ष्मी की ही पसंद है तो आप लक्ष्मी की ले सकते हो अगर किसी को लक्ष्मी की बुक से दिक्कत आई है लैंग्वेज नहीं समझ आई तो आप ठाकुर पब्लिकेशन की ले सकते हो अदरवाइज साथ के साथ आपको नोट्स हम प्रोवाइड कराते रहेंगे लेकिन बुक्स बहुत जरूरी है आपके पास बुक्स होनी चाहिए ठीक है अगर ठाकुर पब्लिकेशन की बुक आप मंगवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दे दूंगी जहां पब्लिशर का वहां से आप कॉल करके मेरा नाम लेके अपने जो बुक्स हैं वो मंगवा सकते हो कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ठीक है अगर डायरेक्ट कॉल करके बोलोगे तो हो सकता है डिस्काउंट ना मिले तो आप मेरा नाम लोगे तो हो सकता है आपको डिस्काउंट मिल जाए और जहां पर आप रहते हो उसी एड्रेस पर आपको बुक्स दी जाएंगे ठीक है घर बैठे आप अपनी बुक्स को मंगवा सकते हो तो यही थी वीडियो आज के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और अगर किसी स्टूडेंट्स को बी एड सेकेंड ईयर का कोर्स परचेज करना है जिसमें बीट सेकेंड ईयर के कंप्लीट सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे जितने भी हैं और मैंने आपको बताया कि किन सब्जेक्ट का कितना कितना सिलेबस हो चुका है वो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है तो लेट ना करें अगर किसी को कोर्स परचेस करना है तो वो कर सकते हो ठीक है चलिए आज के लिए तो बस इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू